जेईई मेन सेशन 2 रिजल्ट को लेकर बच्चे एकदम परेशान हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके रिजल्ट 21 तारीख के रात या 22 तारीख के मॉर्निंग में ही आने वाला था, लेकिन डिले होते होते आज 24 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। एनटीए ने 21 तारीख को अपना फाइनल आंसर की जारी कर दिया, लेकिन उसमें डेट था 18 तारीख का, मतलब 18 तारीख को ही फाइनल आंसर की रेडी हो गया और वो 21 तारीख को जारी किया गया, लेकिन उसमें भी गलती थी और उसको फिर से हटा दिया गया और फिर उस गलती को सुधार करके 23 तारीख को फिर से फाइनल आंसर की जारी किया गया और इस वजह से आपका रिजल्ट डिले किया गया। रिजल्ट डिले होने का एक कारण ये तो है ही है कि आपका फाइनल आंसर कहीं गलत आ गया था, लेकिन उसके अलावा एक और रीजन एनटीए ऑफिशियल की ओर से निकलकर सामने आया है। सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको वो रीजन बताता हूं कि किस रीजन से आपका रिजल्ट डिले हुआ है और दूसरी बात कि फिर आपका रिजल्ट जारी कब होगा, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। सो पूरी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा आप सभी लोग। और दूसरी बात, जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि V2 एकेडमी आपके एग्जामिनेशन होने से लेकर के टील एडमिशन, जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इवन इस बार हम लोग काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इस बार ये कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट आपको सिर्फ 999 में दे रहे, वो भी रिजल्ट के पहले तक का ये प्राइस है। और इसमें हम लोग आपका कंप्लीट सपोर्ट, टील एडमिशन, जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट आपको हमेशा एक बेहतर सलाह देंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके रैंक पे कौन सा बेस्ट कॉलेज हो सकता है उसमें आप कंफ्यूज कर जाते हैं और एक बार जब आपका चॉइस लॉक होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, आप सुधार ही नहीं कर पाएंगे और लाइफ की आप सबसे बड़ी गलती करेंगे अगर आप खुद से काउंसलिंग करते हैं और गलती हो जाती है तो। इसलिए बहुत रिग्रेट आपको फील होगा। सो कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, जाकर के अभी ज्वाइन कर लीजिए। और कैसे ज्वाइन करना है, हालांकि ज्वाइन करना बहुत आसान है, डिटेल फिल करके पेमेंट कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कैसे ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दूंगा, तो जाकर के देखिए और अभी जाकर के इनरोल करिए, ठीक है? क्योंकि रिजल्ट के पहले ये प्राइस 999 है, उसके बाद ये प्राइस बढ़ सकता है। और इसके साथ ही रिजल्ट आने के बाद ना सर्वर थोड़ा इशू हो जाता है, इसलिए बच्चे चेक नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, cmhelp.in, ठीक है? आप सिंपली सबसे पहला वाला वेबसाइट पे जाइएगा, cmhelp.in सर्च करिएगा, सबसे पहला वाला वेबसाइट के होम पे क्लिक करके आप जाइएगा और यहीं पे थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे ना तो यहीं पे आपको मिल जाएगा एक आर्टिकल जेईई मेंस रिजल्ट 2024 सेशन 2, ठीक है? इस पे सिंपली आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके थोड़ा सा आपको नीचे जाना है और नीचे जाते हैं यहाँ पे दो लिंक आपको मिलेगा, सर्वर 1 सर्वर 2, और दोनों ही लिंक में से किसी भी लिंक पे क्लिक करके अपना रिजल्ट आप चेक कर पाएंगे, ठीक है? तो ये रहा एक आसान तरीका जिससे कि आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जब आपके वेबसाइट मेन वेबसाइट का सर्वर डाउन होगा तब आप इस स्टेप से अपना रिजल्ट जो है आसान तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है? रिजल्ट डिले होने को लेकर यदि हम बात करें तो द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज लाइकली टू अनाउंस द अप्रैल सेशन ऑफ जेईई मेन रिजल्ट टुडे, आज को लेकर बात किया जा रहा है, लेकिन उसके आगे आप यहाँ पे समझे कि रिजल्ट्स वेयर शेड्यूल टू बी अर्ली लास्ट नाइट, रिजल्ट आपके कल ही शेड्यूल कर दिया गया था, कल ही आपका रिजल्ट आने वाला था। However, it has been delayed, says NTA official. लेकिन किसी कारण बस ये डिले हो गया, NTA official ने ऐसा कहा है। The agency claims that due to some technical issues की वजह से the result declaration has been pushed from Tuesday to Wednesday. तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपके रिजल्ट जो है वो कल जारी नहीं किया गया, कल रात में आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया, साफ साफ इंडियन एक्सप्रेस का कहना है और इंडियन एक्सप्रेस को एनटीए ऑफिशियल ने ऐसा बताया है। आपको पता है कि मानस प्रतिम गोहेन सर का कहा हुआ बात आज तक गलत नहीं हुआ, रिजल्ट आपके उनके कहे हुए टाइम पे ही आने वाला था, लेकिन बीच में दो प्रॉब्लम हुआ, सबसे पहले आपके फाइनल आंसर की वाला में प्रॉब्लम हो गया और दूसरा आपके रिजल्ट कल ही आने वाला था, लेकिन कल आपके टेक्निकल ग्लिच की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से रिजल्ट आपका जारी नहीं किया गया। तो फिर भैया क्या आज रिजल्ट आएगा? मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि आज भी रिजल्ट आपका डिले हो जाए, क्योंकि देखो यहां पे टाइम्स नाउ न्यूज की ओर से कहना है, उनका कहना है कि आपका रिजल्ट टुमारो, कल जारी किया जाएगा। ये देखो, एज पर शेड्यूल जेईई मेन सेशन 2 रिजल्ट विल बी रिलीज टुमारो 25th अप्रैल, द रिजल्ट एक्सपेक्टेड टू बी आउट अराउंड मिडनाइट 11 PM, लगभग देर रात में आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है और कल जारी किया जा सकता है। आज का भी आशा आप सभी लोग छोड़ दीजिए, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से टेक्निकल ग्लिचेज और भी अन्य कई तरह की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, जैसे ही आपकी लिंक जनरेट होगी मैं आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जा करके भी सभी बच्चे ज्वाइन कर ले, ठीक है? साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों ने अगर काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम लोग कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं और प्राइस बहुत ही कम है, 999 रिजल्ट के पहले तक का ये प्राइस है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काफी सारे बच्चों का एनरोलमेंट आ चुका है और हम लोग मैक्सिमम 500 बच्चों को ही लेने वाले हैं, इससे ज्यादा बच्चे को नहीं लेने वाले, ठीक है? तो सभी बच्चे अभी जाकर के एनरोल करें, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक है और कैसे ज्वाइन करना है उसका भी लिंक डालूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।